बहुत बहुत शुक्रिया टीआरडी का, और आप लोगों का सबसे बड़ा स्वागत, टीआरडी से भी बहुत बड़ा आपका स्वागत और धन्यवाद कि आप लोग अपना समय निकाल करके, अपने परिवार को छोड़ के, अपने दोस्त यारों को छोड़ करके, अपना इम्पोर्टेंट समय लेकर के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। खैर, लिखने का शौक तो रहा ही है लगभग, और ताली जरूर बजा दीजिएगा जब ख़त्म हो। खैर, जो मैं लिखता हूँ कोई ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट बैठे, बढ़िया बैठे, कि शुरुआत हुई है अंत में तो वो लाइन अंतिम में भी बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। खैर, आपके अंतरिम दिल तक पहुँचना चाहूँगा शब्दों से। खैर, ताली उतना ही बजाना जितना हो सके, ज़्यादा भी मत बजाना, मेरी घरवाली यहीं पर बैठी हुई है, क्योंकि ज़्यादा आशिक बन रहे हो, घर से बाहर निकाल दूँगी, खाना भी नहीं दूँगी। तो चलो शुरू करते हैं। ये खुद के लिखे हुए मर्म है, कभी आते तो बैठ करके लिख दिया, आए तो लंबा लिख दिया, छोटा लिख दिया। तो ये जो मैं शुरू करूँगा, तो सूट हो गया, साड़ी हो गया, झुमके हो गए, बिंदी हो गई, उठलाली हो गई, भी कई सारी चीज़ें उन सब के ऊपर है। तू सूट में ही सेट लगती थी, तू सूट में ही सेट लगती थी, साड़ी में तो तू किसी और की हो गई। अब धर्मपत्नी है तो अब उनके लिए तो कुछ उससे पहले की स्थिति और उससे बाद की स्थिति में बहुत अंतर हो जाता है, और एक्चुअल में हुआ भी है, तो उसी के ऊपर है। मैं तो घर पे बोलेगी आशिक बन गए, मेरे लिए तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ, तो हाँ बिल्कुल। पहले जिंदगी में सड़क की तरह कई मोड़ थे, पहले शादी से पहले, और थे भी, वो मेरा मन ही महसूस करता है जहाँ पे मैं रहता हूँ, आज जिस माहौल में मैं रहता हूँ। पहले जिंदगी में सड़क की तरह कई मोड़ थे, कई गड्ढे थे, कई ब्रेकर थे, लेकिन जब से तू आई है, लेकिन जब से तू आई है, ध्यान देना मोहतरमा, लेकिन जब से तू आई है, ये हाथ भी उधर ही जा रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है, लेकिन जब से तू आई है, तो आ गया। पहले जिंदगी में सड़क की तरह कई मोड़ थे, कई गड्ढे थे, कई ब्रेकर थे। जब आप बाइक चलाते होगे, ब्रेकर, यार सरकार रोड नहीं बना रही है, ब्रेकर है यार, पेड़ आ जा रहा है, गुस्सा भी आता हो, उसी की तरह ट्रैफिक जाम था, लाल बत्ती थी, पसीना होता था। पहले जिंदगी में सड़क की तरह कई गड्ढे थे, कई मोड़ थे, कई ब्रेकर थे, लेकिन जब से तू आई है, जिंदगी रेल की पटरी की तरह बिल्कुल सीधी चल रही है, और हकीकत में चल रही है, बिल्कुल हकीकत में चल रही है। तो अब शादी से पहले की बातें बता दूं जरा आपको। तेरा इंतजार बहुत किया हमने, अफसोस तेरे आने से पहले घर की जिम्मेदारियों को अपना दिल दे बैठा हूँ। तो जब हम गांव में जाते हैं तो पंचायत, वहाँ पे न्यायालय वाले कम होते हैं, खैर थाना पुलिस लोग कम ही करते हैं, तो उसमें एक चीज़ होती है पंचायत। तो पंचायतों को हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, यार पंचायत का बड़ा नाम हो रहा है, तो उसी के ऊपर है। अगर आप भी कभी गांव जाए तो गलतियां हो जाती है, चलो पंचायत के सामने उपस्थित होना है। तो मोहल्ले में पंचायत हुई थी, मोहल्ले में पंचायत हुई थी, इश्क के लफड़े में, मोहल्ले में पंचायत हुई थी, इश्क के लफड़े में, मैं झूठा ही सही, तू भी तो मेकअप करके आई थी। अब और भी आगे बढ़ते हैं। तू रुकना नहीं, अब गली मोहल्ले में जो बातें होती हैं ध्यान से देखिएगा, बस तू उधर है और मैं इधर हूँ, मिला कर कभी गली के कोने में, मैं भी तेरे इंतजार में हूँ। तू रुकना नहीं ज़्यादा, लोगों को शक हो जाएगा, तू रुकना नहीं ज़्यादा, लोगों को शक हो जाएगा, आँखों से इशारा कर देना जब कोई तेरे पीछे से आएगा। कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं भी तेरे इंतजार में हूँ, मैं भी तेरे इंतजार में हूँ। मोबाइल छोड़ लिखना मेरे लिए पत्र, मोबाइल छोड़ लिखना मेरे लिए पत्र, तुम शाम को लिखना, मैं रातों को ख्वाब समझूंगा, मैं भी तेरे इंतजार में हूँ, मैं भी तेरे इंतजार में हूँ। अब देखिए, जब शादी हो जाती है तो नई नई दुल्हन जब घर में आती है, उसको बड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, एक्चुअली सही में एडजस्ट करना पड़ता बहुत। वो दबी दबी लहजों से बातें घर की करती है, दबी दबी लहजों से बातें, जब आप गांव में जाओगे ना तो यार जरा सुनिए, जरा इधर आइए, जरा है? वो दबी दबी लहजों से बातें घर की करती है,
हर बात पे हाथों से जुल्फों को सहलाती है। अजी इधर आइए ना, अजी इधर सुनिए थोड़ा। तो चल, ये चल होता है। वो दबी दबी लहजों से बातें घर की करती है, हर बात पे हाथों से जुल्फों को सहलाती है। लगता है शादी अभी अभी हुई है। इनके किसी रिश्तेदारी में मैं गया था, तबील का था मैं। लगता है शादी अभी अभी हुई है, इसलिए कभी सूट कभी साड़ी बदलती है। इश्क के सफर में बदनाम करने का मकसद नहीं था मेरा, इश्क के सफर में बदनाम करने का मकसद नहीं था मेरा। कुछ गलत फहमियाँ तुझसे भी हुई थी, सिर्फ मेरा गुनाह नहीं था। अंतिम है आप लोगों के लिए, खैर सभी के साथ गुजरेगा, लड़कों के भी साथ, ठीक है ना, जो बैठे हुए हैं, भाई साहब के साथ भी। बड़ी मशक्कत की थी तुझे पाने के लिए, बड़ी मशक्कत की थी तुझे पाने के लिए, क्या पता था कोई गैर आएगा, क्या पता था कोई गैर आएगा तुझे। एक एक शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अंतिम लाइन है। बड़ी मशक्कत की थी तुझे पाने के लिए, क्या पता था कोई गैर आएगा। तुझे पैरों में पायल, हाथों में अंगूठी, माथे पे बिंदिया, हाथों में चूड़ियां, लाल साड़ी, मांग में सिंदूर, और सात फेरे लगाकर तुझे अपने साथ लेकर चला जाएगा। अंतिम में बहुत बहुत शुक्रिया, और TRD का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी से मैं निवेदन करूँगा कि जो मन की बात करते हैं ना बैठ करके, मैं तो कहता हूँ TRD में आए, यहाँ पर अपने मन की बात हम लोगों से कहें, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।